जय जवान और जय किसान, ये बहुत पुराना नारा इस किसान ने याद दिलाया सबको ये दोबारा। फौज में जब ना जा पाया तब से मन में ये ठानी, देश के नाम लिख देगा ये अपनी जिंदगानी। औरंगाबाद के श्री बाबूराव पडुल भारतीय सेना में जाने की चाह रखते थे, देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह थी उनमें। एक अनहोनी के कारण वो आर्मी नहीं जा पाए, तो परिवार के बुजुर्गों ने अपने खेतों में ही काम करके देश सेवा करने की सलाह दी। बाबूराव साहसी थे और इस सुझाव को अपनाने चल पड़े। अपने 3 एकड़ के खेत में पहले नींबू और फिर मौसम्बी की खेती की। जल्द ही उन्हें पता लग गया कि एक किसान के जीवन में उतनी ही मुश्किलें हैं जितनी शायद सरहद पर बैठे एक फौजी के जीवन में। वर्षा कम हो या ज्यादा, दोनों परिस्थितियों में उसकी उपज जोखिम में आ जाती है। एक साल जब मात्र 15 दिन के पानी के अभाव से उनका खेत सूख गया तो उनका मन भी सूख गया। पानी की समस्या का समाधान करने की उन्होंने ठानी और निकल पड़े विकल्प ढूंढने। हार मानने वालों में से वो नहीं थे, आखिर वो मन से एक जवान ही तो थे। कुछ फार्म पॉन्ड एक्सपर्ट से उन्हें खेत तालाब की जानकारी मिली तो उनको आशा की एक किरण नजर आई। कुछ पैसे और बहुत सारा साहस जुटाकर उन्होंने अपने खेत पर एक तालाब निर्माण करने का बीड़ा उठाया। गांव के लोगों ने सवाल पूछे, कहा, किसान हो, इंद्रदेव का भरोसा रख के बारिश से काम क्यों नहीं चलाते? पर वो डटे रहे। और कपास की खेती की और अपनी आमदनी दुगनी कर दिखाई। अपने घर परिवार की खुशहाली और गांव वालों की वाह वाह पाई। आज हाल ये है कि शहरों में बाबूराव के खेतों के फल और अनाज का आनंद देश के नागरिक ले रहे हैं। आखिर उन्होंने देश सेवा कर ही दिखाई। अब वो अपने खेतों में घूमते हैं और गर्व से जय जवान जय किसान कहते हैं।